तारीफ करें, तारीफ करें जोरदार परमेश्वर के लिए, आज के जिंदा कलाम के लिए तारीफ करें। परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा आप सभी को सुनाए, आज नया जीवन दिया आपको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं बोल रहा परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपको नया जीवन दे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन ऊंचा आशीष ऊंची, आमीन ऊंचा ब्लेसिंग ऊंची यीशु के नाम में। जोर से हालेलुया बोले एक बार, जोर वाला हालेलुया। आपके आस पड़ोस में पता चलना चाहिए क्या परमेश्वर की वर्शिप कर रहे हो, उसका उसकी महिमा कर रहे हो। जोरदार हालेलुया बोले, आप सच मुझ ब्लेस हो खुदा यीशु मसीह के नाम में। आज हम वचन को देखेंगे। पौलुस कहता मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ पे जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से हूं, जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। और उसके साथ हम देखेंगे गलातियों 6 अध्याय उसकी 14 आयत में, वहां पे लिखा हुआ पौलुस कहता है मैं ऐसा ना हो कि मैं क्रूस को छोड़कर किसी अन्य चीज पर घमंड करूं। पौलुस कहता मेरा घमंड करना मेरे परमेश्वर के क्रूस पर है, कहता मैं परमेश्वर खुदावंत के क्रूस पर घमंड करूंगा। और मत्ती 16 उसकी 24 में लिखा हुआ है, बाबा यीशु मसीह जी कहते हैं, कहता यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, अगर मेरे चेले बनना चाहते हो, अगर मुझे फॉलो करना चाहते हो, अगर मुझे अपना परमेश्वर मानना चाहते हो, अगर मुझे अपना मसीह करके उतारकर्ता ग्रहण करना चाहते हो, तो तुम्हें अपने आप का इनकार करना पड़ेगा और प्रतिदिन मेरा क्रूस उठाना पड़ेगा। अगर तुम अपने आप का इनकार करते हो और मेरे क्रूस को उठाते हो तो तब मेरे पीछे चलो। उदाहरण कहता मैं इसी परमेश्वर के क्रूस पर घमंड करूंगा। हम देखेंगे क्यों घमंड करता है वो परमेश्वर पर। बहुत सारे लोग आज सोचते हैं, बहुत सारे लोगों का आज एक प्रश्न है कि क्या परमेश्वर मुझसे खुश है या नहीं है। आज मैं बताऊंगा कि परमेश्वर आपसे खुश है कि नहीं है। जब आज आप आज का वचन सुनोगे तो आप जान जाओगे कि परमेश्वर आपसे खुश है कि नहीं है। हालेलुया। पौलुस क्या कहता है, मैं परमेश्वर के क्रूस को छोड़कर और किसी भी अन्य वस्तु पर घमंड ना करूंगा। अगर पौलुस अपने समय में बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था, पौलुस एक धर्मी व्यक्ति था, अपने परमेश्वर के लिए अपनी व्यवस्था को पूरी करने वाला था, अब उस पर घमंड कर सकता था। वह बहुत ज्यादा धनी था, वो उस पर घमंड कर सकता था, वो अन्य चीजों पर घमंड कर सकता था, लेकिन वो कहता मैं किसी चीज पर घमंड नहीं करूंगा, अपनी दौलत शोहरत ऐशो आराम किसी भी चीज पर, अपने धर्मी होने पर घमंड नहीं करूंगा। वो कहता मैं अगर घमंड करूंगा तो सिर्फ यीशु के क्रूस पर करूंगा, सिर्फ परमेश्वर के क्रूस पर घमंड करूंगा मैं। पौलुस क्यों कहता है, क्योंकि उसको मालूम है अगर मेरे को स्वर्ग में जाना है, अगर मेरे को परमेश्वर को खुश करना है तो मुझे क्रूस उठानी पड़ेगी, मुझे क्रूस का रास्ता क्रूस के रास्ते पर चलना पड़ेगा। जो मसीह ने जो क्रूस मेरे लिए उठाई है, जो क्रूस मसीह यीशु ने उठाई है, वो क्रूस मेरे को भी उठानी पड़ेगी। उसको मालूम है अगर मैं क्रूस नहीं उठाऊंगा तो मैं कभी भी यीशु का चेला नहीं बन पाऊंगा, मैं कभी भी यीशु मसीह को खुश नहीं कर पाऊंगा, कभी भी उसकी अच्छी भेड़ नहीं बन पाऊंगा। इसलिए वो कहता मैं क्रूस पर घमंड करूंगा। और यीशु कहता अगर तुम मेरा क्रूस उठाना चाहते हो, अगर मैं क्रूस उठाना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप का इनकार करना पड़ेगा। इनकार करने का मतलब, यीशु कहता तुम पहले अपने आप का इनकार करो, उसके बाद मेरा क्रूस उठाओ। ये क्रूस का रास्ता जो आसान नहीं है, जो मसीह जीवन जितना आसान दिखता है इतना आसान है नहीं है जी। मसीह जीवन फूलों की सेज नहीं है, कांटों वाली डगर कांटों वाला रास्ता मसीह में चलना। हर दिन अपना इनकार करना चाहिए, अपने आप को अपने शरीर में खत्म करना और हर दिन आत्मा में चलना। पौलुस कहता मैं मसीह में मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित नहीं रहा मैं, परंतु मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीवित है।
पौलुस कहता मैं अभी अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं करूंगा, अभी मसीह में आकर अगर मैंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया तो मैं अपने अब जैसा मेरा मन कहता है, जैसा मेरा शरीर कहता है, मैं उस अनुसार नहीं चलूंगा, मैं उस तरह से चलूंगा जैसा यीशु चाहता है, जैसा क्रूस का रास्ता, मैं उस क्रूस को देख कर चलूंगा प्रतिदिन और अपने परमेश्वर को खुश करता जाऊंगा। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा, तुमने अपने आप को इनकार करना पड़ेगा अपने आप का पहले, यानी अगर आज तेरे अगर किसी पड़ोसी के साथ अगर झगड़ा हो गया है, जब किसी ने तेरे को गाली निकाली है, जब किसी ने तेरे को थप्पड़ मारा है, तो तेरे को बुरा नहीं लगना चाहिए उस चीज का, उसके लिए तेरे अंदर वो उसके लिए डर्टी फील नहीं होना चाहिए तेरे अंदर, तू उसको बुरा नहीं कहना अगर तू अपने आप का इनकार करता है तो, अगर तू अपने आप को अपना सच्चा मसीह कहता तू मैं परमेश्वर का पवित्र यीशु का बेटा हूं, अगर मैं मसीह का बेटा हूं, अगर मैं मसीह को फॉलो करने वाला हूं, अगर मैं एक सच्चा मसीह हूं, तो परमेश्वर कहता अगर अपने आप को ये तू ये चीजें मानता अगर कि मैं सच्चा मसीह हूं, कि मैं यीशु की औलाद हूं, मैं यीशु का बेटा हूं, मैं यीशु की बेटी हूं, तो कहते तुमने अपने आप का इनकार करना पड़ेगा, तुझे बुरा नहीं लगना चाहिए कि कोई अगर मुझे गाली निकाले तो, अगर आपको कोई गाली दे रहा है, अगर आपको कोई कुछ कर रहा है, अगर आपको बुरा लगा, अगर आप उसका पलटकर जवाब दे रहे हो, उसको गाली के बदले गाली दे रहे हो, तो आप सच्चे मसीह नहीं हो, आप परमेश्वर को इस तरह से खुश नहीं कर पाओगे आप। लेकिन आपको इनकार करना पड़ेगा अपने आप का, जैसे पौलुस कहता मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, कहता मैं संसार की दृष्टि में मर चुका हूं, इसलिए वो बार बार मार खाता है वो परमेश्वर के लिए, बार बार कभी कोड़े खा रहा है, कभी मार खा रहा है, कभी डंडे खा रहा है परमेश्वर के लिए, कभी उस पर पथराव किए जा रहे हैं, लेकिन वो सब सहता जा रहा है, वो किसी को भी पलट कर जवाब नहीं दे रहा, क्यों, क्योंकि उसने वो कहता है मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। वचन में लिखा पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, अगर आम का पेड़ है तो आम के फल देगा, वो आम ही नहीं आएंगे उससे, अगर आप किसी भी अगर आप अमरूद के वृक्ष हो, अगर कोई अमरूद का वृक्ष है तो वो उससे अमरूद ही निकलेंगे। अगर पौलुस कह रहा है कि मैं मसीह ही हूं, मैं परमेश्वर का क्रूस उठाने वाला हूं, कि मैं अपने आप में मर चुका हूं, तो ये सारी चीजें पौलुस के अंदर दिखती हैं, ये सारी चीजें पौलुस के अंदर दिखाई देती हैं हमें कि वो अपने आप में मर चुका है, वो अपनी संसारिक दृष्टि में वो खत्म हो चुका है, अभी उसका एक ही लक्ष्य कि मुझे यीशु के पीछे चलना है, उसका एक ही लक्ष्य कि मुझे परमेश्वर को खुश करना है, लेकिन परमेश्वर को खुश कैसे करें हम, उसका क्रूस उठाना है, उसके लिए अपने आप का इनकार करना। और परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू वेदी पर आता है मेरे सामने आता है, यदि तू प्रार्थना करने के लिए मेरे सामने आता है, तो कहता है अगर तुझे याद आए कि तेरा भाई के मन में तेरे प्रति कुछ दोष है, जा उस या तेरे प्रति तेरे भाई के अंदर कुछ भी अगर गलत फहमी या कुछ विरोध है, तो पहले जाके अपने भाई से माफी मांग, उससे पहले मेल मिलाप कर, तब मेरी हजूरी में आ, वो तो अपने पेट को उसी जगह छोड़ दे, अगर तू मेरी हजूरी में आ चुका, अगर मेरी हजूरी में आ रहा है और तुझे याद आ रहा है, अगर पवित्र आत्मा तुझे याद दिलाता है कि तेरा किसी के साथ झगड़ा हुआ है, तो बच्चे कहते तुमने पहले उससे मेल करना है, फिर तुम्हारी प्रार्थना ग्रहण की जाएगी। अगर आपके अंदर ये सारी चीजें दिख रही है, अगर आप दूसरों को क्षमा करने की ताकत रखते हो, उसे मेल मिलाप करने की ताकत रखते हो, तो आप खुदावंत को खुश कर पाओगे, आप परमेश्वर को खुश कर पाओगे, तो इससे आप ये भी जान पाओगे कि आप परमेश्वर का क्रूस उठा रहे हो, कि आप यीशु की सेवा कर रहे हो प्रतिदिन, प्रतिदिन उसके दिखाए गए पद चिन्हों पर चल रहे हो आप। एक बात हम और देखेंगे, जो क्रूस उठाते हैं, जो प्रतिदिन यीशु के पीछे चलते हैं, उनके अंदर एक और खास बात होती है, वो अपने आप में घमंड नहीं करता वो कभी भी, क्योंकि वो अपनी दृष्टि में मर चुका, उसने अपने आप का इनकार कर दिया है। जो अपने आप का इनकार कर देता है वो दीन बन जाता है, दीन व्यक्ति। मत्ती 5 अध्याय उसके 3 आयत में यीशु मसीह जी कहते हैं, धन्य है वह लोग जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हालेलुया, जो उसे बोलेगा हालेलुया। लिखा धन्य है वो, धन्य जाने आशीषित, वो व्यक्ति आशीषित होगा वो जो मन के दीन है। दीन का मतलब होता है जो स्वभाव के सीधे हैं, बिल्कुल सीधे साधे,
तो दीन का मतलब होता है जो सीधे साधे हैं, और दीन का एक और मतलब होता है जो अगर उसके पास सब कुछ है, अगर वो एक ऊंची पदवी पर है तो उस अपने आप को उस लायक ना समझना। वचन में लिखा यीशु मसीह वो परमेश्वर का सब रूप था। फिलिप्पियों 2 अध्याय उसकी 6 आयत में लिखा वो परमेश्वर का सब रूप था यीशु मसीह जी। जो चीजें परमेश्वर के अंदर पाई जाती है, जो समानता परमेश्वर के अंदर पाई जाती है, वो सारी चीजें मसीह यीशु के अंदर भी थी। वो सारी चीजें, वो सामर्थ यीशु मसीह के अंदर थी। इब्रानी 1 अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा हुआ है सारी सृष्टि की रचना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा की गई। यूहन्ना 1:10 में लिखा हुआ है सारा जगत यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ। और यूहन्ना 1:3 में लिखा हुआ है सब उसी के द्वारा उत्पन्न हुई सारी वस्तुएं, और कोई भी वस्तु यीशु के बिना उत्पन्न नहीं हुई। इसे हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह खुद परमेश्वर के प्रतिरूप थे। वो परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर का वचन थे, वो परमेश्वर का शब्द था यीशु मसीह। बाइबल कहते पूर्व परमेश्वर ने जब सृष्टि की अपने शब्द के द्वारा की, और बाइबल कहती यूहन्ना 1:1 में लिखा हुआ है सारा जो कुछ भी आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। यानी जो वचन जिसके द्वारा सृष्टि की, वो वचन हमारा मसीह था। लिखा वो सब कुछ उसके अधीन है परमेश्वर के अंदर, उस मसीह के अंदर सब कुछ उसके अधीन में है उस परमेश्वर के। आज जो आप समुद्र देखते हो आप, वो एक ही लेवल पे वो खड़ा है, वो कभी धरती से ज्यादा ऊपर नहीं आता। वो अगर वो ऊपर आएगा वो सभी को नष्ट कर देगा। वो सारी वो किसके अधीन में, वो यीशु के अधीन में। वो सारी चीजें यीशु ने उस पानी के बहाव को रोक कर रखा है। आप जो बड़ी बड़ी ज्योतियां सूर्य चांद देखते हो जी, अपनी जगह पे स्थिर रहते हैं जी, आगे पीछे नहीं जाते जी, ये धरती पर नहीं उतराते। जितने पावरफुल जे चीज सारी चीजें परमेश्वर के अधीन थी जे, यीशु मसीह के अधीन है जे सारी चीजें। इतना पावरफुल परमेश्वर हमारा यीशु मसीह। वचन कहता है यीशु मसीह ने अपने आप को दीन का इतना दीन किया कि उसने अपने आप को अपना उसने एक दास का रूप धारण कर लिया। यीशु ने बाइबल लिखो कि 1,000 करोड़ों दूत यीशु की सेवा करते हैं। हालेलुया। यशायाह 37 उसकी 37 आयत में लिखा हुआ है कि एक ही रात में एक स्वर्ग दूत ने 185,000 लोगों को खत्म कर दिया, सिर्फ एक ही दूत ने। ऐसे कई सामर्थी दूत जो यीशु की सेवा करते, जो उसकी महिमा करते रहते हैं हर वक्त, जो कहते रहते हैं सेना को जो हुआ पवित्र पवित्र पवित्र, जो कहते हैं मेमना पवित्र पवित्र पवित्र, क्रूस पर बलिदान हुआ मेमना पवित्र। ऐसे कई स्वर्गदूत जो खुदावंद यीशु मसीह की आराधना करते हैं, जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन वो स्वर्गदूत भी जब वो परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, वो भी अपने पांव को डांप लेते हैं, वो भी क्योंकि वो समझते हैं कि वो उस लायक नहीं है कि वो परमेश्वर के चेहरे को देखें। वो इतने सामर्थ्य होते हुए भी वो उस लायक नहीं समझते कि मैं परमेश्वर के सामने जा सकूं, कि मैं उसके इन आंखों से उस परमेश्वर को देख सकूं। अगर एक स्वर्गदूत इतना ज्यादा सामर्थ्य है तो जो जिस परमेश्वर ने उनको बनाया है तो वो कितना ज्यादा सामर्थ्य होगा। उसकी तुलना करना वो हमारी सोच से बाहर है। लिखा उस परमेश्वर ने जो जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, जो सारी चीजें जिसके अधीन में है, उस परमेश्वर ने क्या किया, अपने आप को वो स्वर्ग को छोड़कर आ गया, वो उस महिमा को छोड़ दिया उस परमेश्वर ने, और आपके लिए और मेरे लिए उस स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर आ गया, वो इस पाप की नगरी में आ गया। सारी दुनिया पाप में थी, उस परमेश्वर ने अपनी सारी महिमा त्याग दी आपको बचाने के लिए, मुझे बचाने के लिए उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया। वहां पे जो ऐशो आराम था परमेश्वर ने छोड़ दिया, अपनी सारी महिमा छोड़ दी वहां पे आपको बचाने के लिए, वो धरती पर आ गया। वो लिखा वो धरती पर सिर्फ आया ही नहीं, उसने अपने आप को इतना ज्यादा दीन किया, उसने अपने आप को एक नौकर बना लिया, उसने एक दास बना लिया, अपने आप को दास का सबूत बना लिया। उसने कभी अपने आप में ये घमंड नहीं किया मैं परमेश्वर हूं, कि मैंने सब चीजें मेरे अधीन है, उसने कभी घमंड नहीं किया। फिर भी वो अपने आप को क्या करता, दीन करता गया। लिखा वो उसने इतना ज्यादा दीन कर दिया उसने अपने आप को, कि वो अपने वो जो यीशु मसीह के चेले थे, जो मनुष्य थे, वो परमेश्वर मनुष्यों के पांव धोने लगा। वो परमेश्वर जिस परमेश्वर की आप प्रार्थना करते हो, जिससे आप मसीह करते हो,
सारे जोर से बोल रहे हैं एक बार हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। क्या किया उस परमेश्वर ने जो सृष्टि करता, उसने क्या किया अपने आप को, जिसने मनुष्य को बनाया, उस परमेश्वर ने क्या कर लिया, वो मनुष्यों के पांव धोने लगा, एक पापी मनुष्यों के पांव धोने लगा वो परमेश्वर। परमेश्वर की दीनता को देखें आप, जिसकी आप आराधना कर रहे हो, जिसकी जिसको आप अपना प्रभु कहते हो, जिसको आप अपना उद्धारकर्ता कहते हो, आप मसीह कहते हो, उस परमेश्वर ने अपने आप को उतना ज्यादा दीन कर लिया। उस परमेश्वर ने यीशु कहता जैसा स्वभाव मेरा, जो स्वभाव मेरे अंदर पाया जाता है वो स्वभाव आप लोगों में भी दिखना चाहिए। जो चीजें मेरे अंदर जो आप देख रहे हो, जो मैं आपके सामने एक नमूना बनकर आया हूँ, कहता जैसे मैंने इस दुनिया में रहते हुए जीवन बिताया, तुम्हें भी ऐसा बिताना पड़ेगा। कहता अगर ऐसा जीवन बिताते हो तब तुम मेरे चेले हो। अगर अपना आपका वो यीशु मसीह ने वो इसलिए वो इतना दीन बन गया क्योंकि यीशु मसीह ने भी जहां पर आकर अपने आप का इनकार कर दिया परमेश्वर ने भी। जब तक आप अपने आप को अपने आप का इनकार नहीं करोगे आप दीन नहीं बन सकते, आप कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। आप अगर आप दीन बन रहे हो, अगर आप झुक जाते हो आप लोगों के सामने, अगर आपको कोई गाली देता, अगर आप उसको पलट का जवाब नहीं देते हो, अगर आपको कोई थप्पड़ मारता, अगर आप उसको पलट का जवाब नहीं देते हो, तो ये एक लक्षण है आपके अंदर कि आप मसीह का स्वभाव आपके अंदर है। ये चीजें आपको बताएंगी, ये चीजें ये दर्शाते कि आपके अंदर सचमुच मसीह है, आप मसीह के पीछे चलने वाले हो, आप मसीह को खुश करने वाले हो। अगर आप दीन हो तो आप सचमुच खुदा को खुश कर रहे हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं बोल रहा हूं अगर आप अपने आप को दीन कर रहे हो तो आप परमेश्वर को खुश कर रहे हो। अगर आप अपना क्रूस उठा रहे हो, अगर उसकी सेवा कर रहे हो तो आप परमेश्वर को खुश कर रहे हो। हालेलुया। लिखा यीशु मसीह ने जब अपने आप को दीन कर दिया, उस खुदा ने जब अपने आप को दीन किया तो क्या हुआ, उसकी शे फिलिपियों 2 अध्याय उसमें आगे लिखा हो। जब हम आगे पढ़ते हैं यीशु मसीह ने अपने आप को इतना दीन किया इसलिए परमेश्वर ने उसे इतना ज्यादा ऊंचा कर दिया और उसको वह नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। हालेलुया। कितना इतना ज्यादा ऊंचा किया उसको, कितना ऊंचा किया हम देखेंगे इफिसियों 1:21 में लिखा हुआ है। पहले हमने पढ़ा कि सारी चीजें परमेश्वर के अधीन थी, यीशु मसीह के अधीन में थी, लेकिन जब वो धरती पर आ गए उसमें वो सारा उसका पिता के पास था, वो सारा अधिकार। लेकिन जब उसने मनुष्य बनकर अपने आप को दीन किया तो लिखा जी सारे स्वर्गदूत उसकी अधीनता में पूरी तरह आ गए। अब यीशु, अब परमेश्वर खुद न्याय नहीं करेगा, अब न्याय करने का अधिकार खुदावन यीशु मसीह को दिया गया, वो सारा अधिकार। लेकिन सारे स्वर्गदूत सारी प्रधानताएं सारी सामर्थ सारी प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर जो इस लोक में नहीं आने वाले लोक में भी, लिखा उससे भी ज्यादा ऊंचा किया कि वो सारी चीजें यीशु के पांव के तले कर दी परमेश्वर ने। कब कीजिए सारी चीजें, जब उसने अपने आप को दीन किया, उसने अपने आप को जब उसने अपने आप को उस पदवी का अधिकारी ना समझते हुए जब उसने अपने आप को एक नौकर बना लिया, एक दास बना लिया, तब ये सारी चीजें परमेश्वर को दी गई, यीशु मसीह को दी गई ये सारी चीजें। अगर आप भी अपनी चीजों में अपने जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हो, अगर आप ऊंचे उठाए जाना चाहते हो तो आपको अपने आप को दीन करना पड़ेगा। यीशु कहता तुम अपने आप को दीन करो तो मैं तुम्हें शिरोमणि बनाऊंगा। अपने आप को दीन करो, परमेश्वर आपको ऊंची पदवी पर लेके जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो आपके बड़े 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 वो क्या बड़े बड़े लोग आपके सामने झुकेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कब, जब आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव आएगा, जब आप मसीह की दीनता में बढ़ते चले जाएंगे, जब आप उसका क्रूस उठाएंगे, जब आप अपने आप का इनकार करते हुए पर पूरी तरह पर यीशु के पीछे चलोगे तो ये सारी चीजें जो दुनिया में आप चीजें देख रहे हो ये सारी चीजें आपके भी अधीन होंगी। जे जैसे एलिया, जैसे एलिया ने प्रार्थना की कि परमेश्वर जब बारिश बंद हो जाए, तो एलिया एक मनुष्य था, उसकी आवाज को सुनकर वो आकाश बंद हो गया। जब दूसरी बार उसने प्रार्थना की उस मनुष्य की आवाज को सुनकर वो आकाश फिर से खुल गया।
जब आप अपने आप को दीन करोगे तो ये सारी चीजें जो आप जो चाहे देखी है चाहे अनदेखी है ये सारी चीजें आपके अधीन होंगी और आप परमेश्वर आपको इन सभी चीजों के ऊपर अधिकार देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन ऊंचा आशीष ऊंची आमीन ऊंचा जे अधिकार आपके होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप भी परमेश्वर की नजर में उठाए जाओगे और लिखा उसे सब नामों में ऊंचा नाम दिया गया। वो कैसा नाम है? उसके नाम के बिना किसी को भी मुक्ति ना मिलेगी। जो यीशु का नाम नहीं लेगा, परमेश्वर ने कहा जो यीशु का नाम नहीं लेगा उसके उस नाम के बिना कोई भी मुक्ति नहीं पा सकता। मेरी बाइबल कहती है परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कहता स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हालेलुया। जे मेरी बाइबल क्या कहना है, जे मेरी बाइबल कहती है जे नाम दिया गया यीशु मसीह को जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जे वो नाम है जिसके जिसके बोलने से जिसका नाम लेने से दुष्ट आत्माएं कांपने लगती है, जे वो नाम है जब जब जे नाम लिए जाता तो आंधी तूफान थम जाते हैं। इस यीशु के नाम से बड़े बड़े जो रोगी चंगे हो जाते हैं, इसी यीशु के नाम से लंगड़ी चलने लगते हैं, इसी यीशु के नाम से अंधे देखने लगते हैं, इसी यीशु के नाम में मुर्दे जलाए जाते हैं और बड़े अद्भुत चमत्कार यीशु के नाम में किए जाते हैं। ऐसा नाम है यीशु मसीह का, ऐसा अद्भुत नाम है हमारे प्रभु यीशु मसीह का। और ये नाम आपके जब आप इस नाम का इस्तेमाल करोगे तो ये नाम आपके द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन ऊंचा आशीष ऊंची यीशु का नाम जब आपके अंदर आएगा, जब आप अपने आप को दीन करोगे परमेश्वर की नजरों में तो क्या करेगा परमेश्वर, ये सारी चीजों पर आपको भी अधिकार देगा। आपके आपके बोलने से भी लंगड़े चलाए जाएंगे, दुष्टों में निकाले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है जब आप अपने आप को दीन करते हो, जब आप क्रूस उठाते हो अपने आप का इनकार करते हो तो आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। जोर से बोलेगा हालेलुया, लिखा वो हमारे लिए तुच्छ बना गया, वो तुच्छ बन गया हमारे लिए ताकि हम आदर पा सकें। उसने हमारे लिए स्वर्ग को छोड़ दिया ताकि हमें स्वर्ग मिल जाए, उसने हमारे लिए मार खाई ताकि हम चंगे हो जाए, वो पापियों के संग गिना गया ताकि हम धर्मी बनाए जाए, उसने अपना जीवन खो दिया ताकि हम बहुतायत का जीवन पाए, उसने सारा पाप अपने ऊपर उठा लिया ताकि हम निष्कलंक बन जाएं। अगर आप भी अपने आप को दीन करते जाते हो, अपना क्रूस उठाते हो, अपने आप का इनकार करते हो तो सचमुच परमेश्वर जैसे अपने पुत्र यीशु से खुश हो वो आपसे भी खुश होंगे। आपके सारे सवाल खत्म हो जाएंगे कि परमेश्वर क्या आप परमेश्वर के सामने खुश हो कि नहीं हो, कि परमेश्वर आपसे खुश है कि नहीं है। इसी से आप जान पाओगे जब आप दीन करोगे परमेश्वर आपको भी ऊंचा करेगा, वह सब ऊंचे ऊंचे नामों में आपका नाम लेके जाएगा। इसलिए पौलुस इसीलिए कहता है कि मैं यीशु के क्रूस को छोड़कर किसी अन्य चीज पर घमंड नहीं करूंगा। ये वजह थी पौलुस की, पौलुस इसलिए कहता मैं इस क्रूस को छोड़कर दूसरी चीजों पर घमंड ना करूंगा। यही क्रूस है जो आपको मसीह के पास लेके जाएगी, यही क्रूस है जो आपको परमेश्वर के पास लेके जाएगी, यही क्रूस है जो आपको स्वर्ग में लेके जाएगी। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे हम हर एक जन, आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें परमेश्वर के सामने, परमेश्वर मैं तेरे क्रूस उठा पाऊं परमेश्वर, मैं अपने आप का इनकार कर पाऊं मेरे परमेश्वर, अपने आप को दीन कर पाऊं परमेश्वर, अपने आप का त्याग जो चीजें मुझे त्यागनी वो मैं त्याग सकूं और तुझे खुश कर पाऊं। अगर आप इन सारी चीजों में खरे उतरते हो, अगर इन सारी चीजों के अनुसार अपना जीवन बिता रहे हो तो परमेश्वर आपसे खुश है। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर तेरी महिमा करते खुदाबंद, जो जो वचन आज सुना गया मेरे परमेश्वर, परमेश्वर तेरे पुत्र यीशु के नाम में 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं 100 गुना फल लाए परमेश्वर। जब ये वचन सुन रहे हैं परमेश्वर, जो वचन सुन रहे हैं परमेश्वर, यीशु तेरे सामर्थ्य नाम से चंगे हो जाए मेरे परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियां खुदाबंद यीशु के नाम से प्रभु इनको छोड़ के जाए परमेश्वर, हर अंधकार की ताकतें परमेश्वर इनको छोड़ के जाए, सारे बीमारी यीशु के नाम से खत्म हो जाए, हर प्रकार के रोग खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन।
आमीन होता आशीष जी, आमीन होता चंगाई आपके यीशु के नाम में। पत्रा के सोनिया पत्रियां गेटियां यीशु के नाम में गायब हो जाए, सिर्फ यीशु के सामर्थ के नाम में गायब हो जाए। सारी गेटियां पत्रियां और सोनिया गायब हो जाए, सिर्फ गायब हो जाए यीशु के नाम में। जो कमजोर वो नया बल पकड़े यीशु के सामर्थ के नाम में। आज की बात यीशु आपको एक नया बल बख्शे कि आप यीशु के पीछे चल पाओ। सारा महिमा खुदावंद यीशु आपके नाम को देते हैं परमेश्वर। वो सारी प्रार्थना परमेश्वर तेरे पुत्र यीशु के नाम से बोलते हैं, आमीन आमीन। हम फिर से वर्शिप में जाएंगे, अपने हाथ उठाते हैं, जोर से तारीफ करें परमेश्वर के लिए, जोर से आज के वचनों के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से वर्शिप में जाएंगे। हम फिर से अपनी आंखों को बंद कर दीजिए मेरे साथ। रखवाई मान जेड़ा बादशाह दे बादशाह दे आपने के दान हो जाए गुना मेरा दे अपने ऑफरिंग बॉक्स के पास जो तरीका अपने
ऑफरिंग बॉक्स से गया उसे भी अभी ऑफरिंग ऑफरिंग पास आकर परमेश्वर तुम ब्लेस कर रहे इस पैसे के दौरान इस दशमांश के दौरान इस पेड़ के दौरान जो तुम परमेश्वर ने सुई ने बिछो रहे परमेश्वर ने सुख समाचार दे दी तुम ब्लेस हो परमेश्वर तेरे सामर्थ्य नाम के बीच जोर दे ना बोलो हालेलुया हालेलुया अपने हाथों को दे जोर ना बोलो हालेलुया हालेलुया अजी फिर तो वर्षों के जाएंगे रखना ईमान जीरा नाचने सत्य